जय हिंद स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की कोरबुक फ्लेमिंगो से पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी का पार्ट टू पार्ट टू पढ़ने से पहले हम पार्ट वन का रिवीजन कर लेते हैं पार्ट वन में हमने लाइन वन से लाइन एलेवन तक का वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन उसको समझा था और उनकी पोएटिक डिवाइसेस को जो पोएट ने यूज़ की हैं उनको भी समझा था अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं जॉन कीट्स राइट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ एंडीम्योन फ्रॉम विच द पोएम इज टेकन जोन कीट्स की एक एपिक पोएम है एंडीम्योन अ पोइटिक रोमांस उसका ये पोयम एक पार्ट है और इसकी जो ओपनिंग लाइन है दैट इज वर्ल्ड फेमस लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर पोएट कहते हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर अ सोर्स ऑफ नेवर एंडिंग प्लेजर जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं दे आर एवर लास्टिंग दे गिव अस हैप्पीनेस थ्रू आउट आर लाइफ टाइम ब्यूटी कंटिन्यूज टू गिव जॉय फॉर एवर इट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग डिस्पाइट ट्रबल्स एंड सफरिंग्स जो ब्यूटी है ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारी लाइफ को बहुत ही अच्छा बना देते हैं चाहे उसमें कितनी ही ट्रबल्स हों और सफरिंग हो उसके बावजूद भी ब्यूटी इज लाइक द शेड ऑफ ए बार ब्यूटी एक बावर यानि जो एक पेड़ है उसकी छाया की तरह सूदिंग होती है कूलनेस देती है और हमको एनर्जी देती है वी गेट पीस एंड ट्रेंकुवलिटी फ्रॉम ब्यूटिफुल थिंग्स एंड रिकलेक्टिंग दोज मेमोरीज फिल्स आस विद हैप्पीनेस। जब कभी भी हम इन ब्यूटिफुल मेमोरीज को इन ब्यूटिफुल थिंग्स को याद करते हैं तो हमको वैसा ही जॉय और हैप्पीनेस मिलती है जो कि उनको देखने पर मिली थी ब्यूटी डज नॉट फेड अवे और रिड्यूस विद टाइम ब्यूटी कभी भी टाइम के साथ में फेड नहीं होती है या फिर कम नहीं होती है सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट लाइन लाइन ट्वेल्व सो लेट्स गेट स्टार्टेड इसके पहले हमने लाइन इलेवन मेड फॉर आर सर्चिंग तक पार्ट वन में पढ़ चुके हैं आगे यस इंस्पाइट ऑफ ऑल सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल ऑल पॉल राइमिंग हो रही है और दोनों लाइन है सो so, यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है वो दो लाइन में है कपलेट में है इसलिए ये क्या होगा कपलेट्स कहलाएंगे from our dark spirits such the sun the moon trees old and young sprouting a shady boon moon and boon again जो दो लाइन है दोनों में राइमिंग है moon and boon, तो यहां पर भी ये कपलेट है तो जो जॉन कीट्स ने ये पोयम लिखी है ये कपलेट्स फॉर्म में लिखी है ना हर दो लाइन आपस में उनके लास्ट जो वर्ड हैं उनकी साउंड राइम करती है यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल पॉल का मतलब क्या होता है डार्क क्लाउड तो पोएट कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल सच बैड एंड ट्रबल सम फीलिंग्स ये हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी लाइफ में चाहे कितनी ही ट्रबल सम सिचुएशंस हों बैड सिचुएशंस हों समथिंग ब्यूटीफुल विल रिमूव द नेगेटिव फीलिंग एंड अनप्लेजेंट इमोशन पोएट क्या कहते हैं कि सम शेप ऑफ ब्यूटी यानी कोई भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है कोई भी नेचर की ब्यूटी है वो क्या कर सकती है मूव्स अवे द पॉल पॉल यानी डार्क क्लाउड जो डार्क क्लाउड है डार्क क्लाउड किस फॉर्म में एंजाइटी की फॉर्म में है ट्रबल्स हम सिचुएशंस की फॉर्म में है बैड सिचुएशन की फॉर्म में है कभी हमारी लाइफ में हम अनहेल्दी हैं तो ये जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हैं ये क्या कर सकते हैं विल रिमूव द नेगेटिव फीलिंग्स एंड अनप्लेजेंट इमोशंस ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बूम आप पोएट आगे ये कहते हैं कि मैनी टाइम्स

विल रिमूव ऑल द बैड इमोशंस फ्रॉम आर हार्ट ये पावर है ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स की हमारी लाइफ में इट विल फिल आर हार्ट्स विद हैप्पीनेस और इट विल फिल ये जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हैं ये ब्यूटीज हैं ब्यूटीज ऑफ नेचर हैं ये हमारे हार्ट को हैप्पीनेस से जॉय से फिर से फिल कर देंगी सच द सन द मून Trees old and young, sprouting a shady boon. किस टाइप की अब kon कौन कौन सी होती हैं वो बता रहे हैं कि ye heavenly bodies हैं sun, moon, sun हमको हीट देता है एनर्जी देता है पॉजिटिव एनर्जी देता है मून हमको कूलनेस देता है कामनेस देता है क्वाइटनेस देता है ट्रीज़ ओल्ड एंड यंग जो ट्रीज़ हैं ये भी हमको comfort देते हैं उनकी हमने पहले पढ़ा था बावर क्वाइट हमको शेड देते हैं जो शेड हमको रिलैक्स करती है स्प्राउटिंग इज शेडी बून बून का मतलब ब्लैसिंग और स्प्राउट यानी ग्रो क्विकली बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करना जो ग्रीनरी है बारिश में एकदम से चारों तरफ कैसा हो जाता है ग्रीनरी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे स्प्राउट्स हो गए एकदम से तेजी से पूरे में ग्रीनरी हो गई हो तो ये जो ग्रीनरी है ये जो नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं दे आर लाइक ब्लैसिंग्स द सन विच गिव्स अस लाइट एंड वार्म इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएट क्या एक्सप्लेन करते हैं क्या बतलाते हैं कि सन हमको वार्मनेस देता है लाइट देता है द मून गिव्स अस फीलिंग ऑफ कम्फर्ट तो मून इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी ओल्ड एंड यंग ट्रीज हैं विच ब्लेस विच शेड आर थिंग ऑफ ब्यूटी तो पोएट वॉन्ट्स टू से दैट वी कैन डिराइव कम्फर्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल थिंग्स जो नेचुरल ब्यूटी है जो इस धरती पर अर्थ पर पूरे में फैली हुई है उससे हम कम्फर्ट ले सकते हैं उससे हम रिलैक्स फील कर सकते हैं वो ब्यूटी हमको रेजोविनेट करती है सो ऑल दीज आर things of beauty for simple sheep and such are daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make pehle word by word meaning samaste now the nature talks about powerful nature and what are the beauties of nature that gives us Continuous joy and happiness for simple sheep. Simple means simplicity. जो sheep है वो है symbol of simplicity, innocent. तो जो इनोसेंट एंड सिंपल पीपल होते हैं दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड उनकी कंपनी में उनके साथ रहने पर हमको जॉय एंड हैप्पीनेस फील होता है एंड सच आर डैफोडिल्स इसी तरीके से जो ब्यूटिफुल फ्लावर्स हैं डेफोडिल के दे गिव कंटिन्यूस जॉय एंड हैप्पीनेस, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन और जो ब्यूटी ऑफ नेचर है इज एट इट्स बेस्ट इन द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ मीडोज एंड पैस्चर्स यदि हम कहीं पर ब्यूटी को सर्च करना चाहते हैं तो जो बेस्ट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमको कहाँ मिलेंगे ग्रीन मीडोज में लश ग्रीन एकदम ब्राइट ब्यूटीफुल फ्रेश ग्रीन मीडोज़ घास के मैदान में और ये जो ग्रीन मीडोज़ हैं पेस्चर्स हैं ये क्या करते हैं ये प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स पूरे प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं एनिमल्स यहाँ पर अपना फूड लेते हैं जो प्लांट्स हैं दे गिव ऑक्सीजन शेड एंड शल्टर टू ऑल लिविंग बींग्स सो इट इज़ इन दिस ग्रीन वर्ल्ड

जो कि कूलिंग कोवर्ट को आ, बनाती हैं कैसे जो स्ट्रीम्स हैं मेक देयर ओन वे अपना रास्ता वो खुद ही आगे बढ़ती हैं और मैनी प्लांट्स एंड ग्रीनरी ग्रोज अलॉन्ग इट्स फ्लोज और जैसे जैसे ये क्लियर स्ट्रीम बहती जाती है उसके साइड में बहुत सारे प्लांट्स और बुशेस वो उगते हैं और एक कूलिंग कोवर्ट बनाते हैं अब इस पोयम में सिंपल शीप जो सिंपल शीप है दैट इज द सिंबल ऑफ इनोसेंस स्रीन ब्यूटी एंड डिवाइन ब्यूटी एंड क्लियर रिल्स अगेंस्ट फॉर दैम अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन जो क्लियर रिल्स हैं क्लियर स्ट्रीम हैं वो क्या करती हैं दैट फॉर दैम ये जो स्ट्रीम्स हैं जब ये आगे बढ़ती हैं आगे बहती हैं तो ड्यू टू कूलनेस इनके आसपास प्लांट्स श्रब्स और ग्रीनरी उग जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी कूलिंग एटमॉस्फियर हो जाता है और ये जो कूलिंग एटमॉस्फियर है ये ड्यूरिंग हॉट डेज ड्यूरिंग समर दिस प्लेस गिव्स शेल्टर टू ऑल लिविंग बींग्स दैट इज़ ऑल एनिमल्स ह्यूमन बींग्स सो दैट इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट ट इज ऑल्सो अ ब्यूटी ऑफ द नेचर द बिट फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स मिड एन ए इन द मिडिल ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट एन ए जंगल वो प्लेस जहां पर कि जो प्लांट्स हैं दे आर वेरी डेंस ब्रेक ब्रेक का मतलब एरिया विथ थिक ग्रीनरी क्योंकि फॉरेस्ट है तो वहां पे जो ग्रीनरी होगी वो काफी डेंस होगी अब एक और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट पोएट रीडर्स को बताते हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग स्प्रिंकलिंग का मतलब स्कैटर्ड बिखरे हुए छितरे हुए स्प्रेड फैले हुए और फेयर मस्क रोज मस्क रोज अ टाइप ऑफ रोज ब्लूम्स ब्लूम यानी खिलना तो जहां पर फॉरेस्ट डेंस है वहाँ पर मस्क रोज पूरे में स्कैटर हैं स्प्रेड हैं। तो ये जो सीन है नेचुरल ब्यूटी का दिस सीन आल्सो गिव्स जॉय एंड हैप्पीनेस। दिस इज आल्सो अ ब्यूटीफुल टाइप ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर ड्यूरिंग हॉट सीजन अथिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द मिडिल ऑफ फॉरेस्ट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी कि हॉट सीजन में समर डेज में फॉरेस्ट में काफ़ी प्लांट्स यदि एक जगह पर हों तो वो भी काफ़ी कूलिंग देते हैं और इसी कूलिंग के कारण जो वो ऑब्जेक्ट जो वो प्लेस है दैट बिकम्स ब्यूटीफुल अ फॉरेस्ट वेयर सेवरल मस्क रोज प्लांट्स आर ब्लूमिंग इज़ वेरी प्लीजिंग यहाँ पर इमेजरी है ये सीन हमारी आँखों के सामने क्रिएट होता है कि वो प्लेस जहाँ पर कि बहुत सारे मस्क रोजेज वहाँ पर हैं तो वो प्लेस डेफिनेटली विल बी वेरी ब्यूटिफुल दस दैट इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजेंड फॉर द माई टी डेड द पोएट जॉन कीर्स कंटिन्यूसली टॉक्स अबाउट द ब्यूटीज ऑफ नेचर द ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर दैट गिवस जॉय हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन लाइन नंबर ट्वेंटी अब जो ब्यूटिफुल थिंग्स में पोएट कहते हैं कि जो ग्रेंडियोर ऑफ़ द डूम्स डैथ इज़ इन्वर्टेबल सभी को एक दिन मरना है लेकिन ऐसे लोग जिनकी डेथ तो हुई लेकिन देवर मैग्निफिसट वो बहुत ही हमारे लिए नोबल पर्सन थे और लाइन नंबर ट्वेंटी वन में वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड और ऐसे लोग जिनकी डेथ तो हुई लेकिन दे वर वेरी माइटी पावरफुल थे तो ये लोग थे ये भी हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है क्यों है सबसे पहले हम जो ग्रैंड्योर वर्ड है उसको डूम्स के साथ क्यों एसोसिएट क्यों जोड़ा गया है इसको समझते हैं जो ग्रैंड्योर है वो डेथ के साथ में क्योंकि जो डूम्स डेथ है वो तो हो चुकी है अब वो मैग्निफिसेंट कैसे हुई तो जो माइटी डेड ऐसे लोग हु पावरफुल जिन्होंने अपनी लाइव्स को अपनी कंट्री के लिए अपनी सोसाइटी के लिए उन्होंने सर्व कर दिया उन्होंने अपनी लाइफ दे दी तो वो क्या है दे आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन किन के लिए दोज हु रीड और हियर अबाउट देम जो भी उनके बारे में पढ़ता है उनके बारे में सुनता है सो सच टाइप ऑफ पीपल जो माइटी डेड हैं जो पावरफुल ऐसे पावरफुल जिन्होंने सोसाइटी के लिए जिन्होंने नेशन के लिए जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया तो क्या है दे आर द पीपुल जो कि जिनकी डेथ कैसे हुई देवर वेरी मैग्निफिसट देवर वेरी माइटी और वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ को डिवोट किया फॉर द वर्दी कॉज किसी अच्छे कारण के लिए एंड वर मार्टायर्ड और वो उसके लिए शहीद भी हो गए द ग्रैंड्योर ऑफ द माइटी डेड लाइज इन द नोबल डीड तो जो माइटी डेड हैं डेड पीपल हैं देवर दे आर माइटी बिकॉज क्यों क्योंकि जो उनके नोबल डीड हैं उनके श्रेष्ठ कार्य हैं उन्होंने उनको माइटी बना दिया उन्होंने उनको ग्रैंड्योर मैग्निफिसेंट बना दिया दे कंटिन्यू टू लिव थ्रू देयर एक्ट ऑफ वेलर और ये लोग अपनी बहादुरी अपने नोबल डीड्स के साथ में हमारे दिलों में हमेशा रहते हैं और हमको मोटिवेट करते हैं सो so, दिस जो लिटरेचर है टेल्स हैं ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमको ऑलवेज दिस ब्यूटी इंस्पायर अस माई टी पीपल हु हैड डन सम गुड वर्क अभी मैं आपको बता ही रही थी एक्सप्लेन कर रही थी कि माइटी डैड डेड और माइ टी कैसे हो सकते हैं तो डेड पीपल जो कि बहुत ही पावरफुल क्यों पावरफुल क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बींग्स और उनका जो काम था वो दैट वॉज वेरी नोबल टू दे ऑलवेज इंस्पायर अस सो माइटी डेड एंड ग्रेंड्योर ऑफ़ द डूम्स ये हमारा लिटरेचर है ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं जिन्होंने ह्यूमनिटी को सपोर्ट किया जिन्होंने ह्यूमनिटी के लिए सोसाइटी के लिए नेशन के डेवलपमेंट के लिए दिसक्रीफाइस देअर लाइफ दे ये भी ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस नेचर हैं बिकॉज दे इंस्पायर अस दे मोटिवेट अस ऑल लवली टेल्स

और रेड चाहे तो हमने सुनी हो या हमने फिर पढ़ी हो तो ये सब जो टेल्स हैं स्टोरीज हैं दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट दे आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय फॉर अस एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक पोएट ने अभी तक हम लोगों को बहुत सारे ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट बताए जो कि कंटिन्यूस, दे आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय चाहे हैवनली बॉडीज हों चाहे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हों या स्ट्रीम्स हों या ट्रीज की कूलिंग शेड हो एनिमल्स हों ये सभी चीजें दे आर द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट विच गिव्स अस जॉय हैप्पीनेस, प्लेजर इंस्पीरेशन मोटिवेशन एक्सेट्रा ये जो ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट हैं दे आर लाइक एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक एंडलेस फाउंटेन ऐसा फाउंटेन जो जिसका कोई अंत नहीं है और उस फाउंटेन से क्या निकल रहा है इमोटल ड्रिंक एक ड्रिंक इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर हैवनली टॉनिक दे आर इमोटल ड्रिंक तो जो ये फाउंटेन है इससे जो ड्रिंक निकल रहा है वो ड्रिंक कैसा है इमोटल है और ये फाउंटेन क्या है ये जो ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी अर्थ पर नेचर में जिससे कि हम सराउंड हैं जो ये ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स हमको एनसर्कल किए हुए हैं ये ऑल ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स आर लाइक इमोटल ड्रिंक इमोटल मी इमोटल ड्रिंक मीन्स अमृत हैं दे ये जो ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि दे आर कमिंग टू अस डायरेक्टली फ्रॉम हेवन ये सीधे हेवन से हेवन से क्यों आ रहे हैं क्योंकि पोएट कहते हैं कि ये जो इतनी सुंदर पृथ्वी है धरती है जो कि नेचुरल सराउंडिंग से कवर है इसको ईश्वर ने बनाया है गॉड हैज़ क्रिएटेड तो जो ये हैप्पीनेस और जॉय जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है वो हेवन से आ रहा है पोइट वांट्स वॉन्ट्स टू से दैट ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स हैव बीन गिवन अस बाय ऑल गॉड गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स तो जो भी हम इससे जॉय हैप्पीनेस मोटिवेशन इंस्पिरेशन जो कुछ भी पाते हैं वो सब कहाँ से मिल रहा है फ्रॉम हैवन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि जो ये लाइंस हैं ये बार बार एग्जाम में इनको एक्सप्लेन करने के लिए आ, पूछा जाता है इमोर्टल ड्रिंक पॉरिंग अन टू अस फ्रॉम द हैवन्स ब्रिंक ब्रिंक मीन्स एज किनारा और ये जो इमोटल ड्रिंक है जो ये अमृत है हम लोग कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं फ्रॉम द ब्यूटीज ऑफ नेचर दैट इज़ लाइक इमोटल ड्रिंक ये कहाँ से आ रहा है ये हेवन से आ रहा है हेवन से हमको मिल रहा है बिकॉज ऑल ब्यूटिफुल थिंग्स आर लाइक एन इमोर्टल फाउंटेन फ्रॉम हैवन अबव फॉर मैन काइंड टू एंजॉय इट्स प्राइसलेस ट्रेज़र जो धरती पर नेचुरल ब्यूटी है वो ब्यूटी प्राइसलेस है उसकी कोई कीमत नहीं है वो अनमोल है और पोइट कॉल्स इट इमोटल इसको अमृत कहते हैं इसको कभी ख़त्म न होने वाला ड्रिंक कहते हैं क्यों कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवर क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी लवलीनेस कभी भी डिक्रीज नहीं होती बल्कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज होती है वो बढ़ती जाती है द पोएट कॉल्स इट अ ड्रिंक जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पोएट ड्रिंक कहते हैं क्यों बिकॉज ब्यूटी इज लाइक द एलेक् अलेक्जर ऑफ लाइफ जो ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं इनसे जो कुछ भी हमको मिलता है जीवन में वो अलेक्जर यानी जीवन जीने के लिए अमृत के समान है। एंड नाउ पोइटिक डिवाइस यूज बिटवीन लाइन एलेवन टू लाइन ट्वेंटी फोर मैटाफर फिगर ऑफ़ स्पीच में कंपैरिजन होता है ऐसी दो चीज़ों के लिए जो कि सेम नहीं है फिर भी उनकी कोई क्वालिटी सेम होती है लाइन नंबर ट्वेल्व सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल यहाँ पे पॉल मेटाफर है इसका मतलब है डार्क क्लाउड जिसको कि मिजरी से टेंशन से और लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी से जिसका कंपैरिजन किया गया है लाइन 23 थ्री एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक इमोटल ड्रिंक का कंपैरिजन किया गया है ब्यूटीज ऑफ नेचर से तो ये मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच पोएट ने सेकेंड पार्ट में यूज़ किया है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स इसमें रिपीटिशन होता है सेम लेटर का कैसे जैसे लाइन नंबर ट्वेल्व फिफ्टीन सेवेंटीन एंड ट्वेंटी टू समेप एस और एस सिंपल शेप दैन एस एंड एस कूलिंग कोवर्ट सी एंड सी लेटर का रिपीटिशन हो रहा है Have हार्ड एच और एच लेटर का रिपीटिशन हो रहा है तो ये फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा अ लिट्रेशन एंड नाउ इमेजरी इमेजरी क्या कहलाती है द पोएट अपील्स टू ए रीडर सेंस ऑफ साइट टेस्ट स्मैल टच एंड साउंड एज वेल एज इंटरनल इमोशंस एंड फीलिंग्स पोएट वर्ड्स के थ्रू इमेजेस क्रिएट करता है रीडर्स के माइंड में और ऐसा लगता है कि वो सीन आँखों के सामने है जून कीट्स ने पोएम में बहुत सारी इमेजरी या इमेजेस को का सीन क्रिएट किया है लाइन नंबर फोर्टीन ट्रीज़ ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग और शेडी बून लाइन नंबर फिफ्टीन एंड सच आर द डैफिल्स सिक्सटीन विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्रियल क्लियर रिल्स सेवनटीन दैट फॉर दैम सेल्व्स ए कूलिंग कोवर्ड मेक बहुत ही सुंदर नेचुरल सीन को नेचुरल ब्यूटी को वर्ल्ड के थ्रू पोएट ने इन लाइन्स में रीडर्स के माइंड में क्रिएट किया है रिच विद अ स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ ए मॉटल ड्रिंक दीज आर द इमेज क्रिएटेड बाय द पोएट जोन द रीडर्स माइंड एंटीथीसिस एंटीथीसिस फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है वेन टू अपोजिट आइडियाज़ आर पुट टूगैदर इन अ सेंटेंस टू अचीव ए कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट जब दो अपोजिट आइडियाज़ हैं उनको एक ही सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और ये क्यों यूज़ किया जाता है उस बात का कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट बतलाने के लिए जैसे लाइन नंबर फोर्टीन में देखिए ट्रीज ओल्ड एंड यंग ओल्ड अपोजिट है यंग का लेकिन दोनों को एंड से कनेक्ट करके एक साथ यूज़ किया गया है किस चीज़ के लिए ब्यूटी को बतलाने के लिए ब्यूटीज ऑफ़ नेचर को बतलाने के लिए तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है या पोइटिक डिवाइस है इसे कहा जाएगा एंटीथेसिस सिम्बॉलिज्म सिम्बॉलिज्म रेफर्स टू द यूज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फिगर

यूज़ किया जाता है उसका सिंबॉलिक यूज़ किया जाता है उसे प्रतीक माना जाता है जैसे कि लाइन फोर्टीन ट्रीज़ ओल्ड अब ट्रीज़ ओल्ड वैसे तो पुराने वृक्ष हैं लेकिन इस इन वर्ड का यूज़ क्यों किया गया ये है सिंबल ऑफ़ प्रोक्लेम ये शेड एंड शेल्टर जो ट्रीज़ ओल्ड का मतलब है शेड एंड शेल्टर का सिंबल है सिंपल शीप सिंपल शीप इज़ द सिम्बल ऑफ इनोसेंस डिवाइन ब्यूटी एंड सिम्प्लिसिटी ऑगजी मरोन ऑक्जी मरन पोइट्रिक डिवाइस में जो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं यानी विरोधाभास करते हैं कैसे लाइन नंबर ट्वेंटी वन माई टी डेड अब जो डेड पीपल हैं जिनकी डेथ हो चुकी है हाउ कैन दे बी माई टी वो ताकतवर कैसे हो सकते हैं तो ये जो माइटी डैड है यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ़ स्पीच या पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है ऑक्जीमरॉन हाइपरबली हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच में वेन एन ऑथर और स्पीकर पर्पजली एग्जरेट्स एन आइडिया फॉर द सेक ऑफ़ एम्फेसिस और ए वे ऑफ मेकिंग अ डिस्क्रिप्शन मोर क्रिएटिव यानी इसमें किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है और इसका पर्पस क्या रहता है कि वो अपने डिस्क्रिप्शन को अपने क्रिएशन को इम्फेसाइज करना चाहते हैं उसको ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं इसलिए हाइपरबली फिगर ऑफ़ स्पीच का यूज़ किया जाता है जैसे कि एक हाइपरबली फिगर ऑफ़ स्पीच का यूज़ किया गया है लाइन नंबर ट्वेंटी थ्री एन एंडलेस फाउंटेन फाउंटेन एंडलेस जिसका कभी अंत ना हो जो निरंतर चलता रहे तो ये क्या है ये है एग्जर्जरेशन है ये बात को बढ़ा चढ़ा कहने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है अपनी बात को इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव बताने के लिए कॉन्सोनेंस इस डिवाई पोटिक डिवाइस में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है ना कि कॉन्सोनेंट लेटर का कैसे एग्जाम्पल है फॉर सिम्पल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स सिम्पल में एस शीप एस कॉन्सोनेंट साउंड सच कॉन्सोनेट साउंड एंड डैफोडल्स में भी एस ये कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है और देखते हैं ऑल लाइन नंबर ट्वेंटी टू ऑल लवली टेल्स डेट वी हैव हर्ड और रीड इसमें एल और एच कॉन्सोनेंस साउंड का कंटिन्यूस रिपीटेशन हो रहा है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक यहाँ पर एन साउंड का रिपीटेशन हो रहा है तो ये कौन सा फिगर पोइटिक डिवाइस कहलाएगी कॉन्सोनेंस एजेंस इस पोइटिक डिवाइस में वोवल साउंड रिपीट होती है एक लाइन में किस चीज के लिए रिपीटेशन होता है टू मेक इफेक्टिवनेस

एंड सर्च टू इज़ द ग्रेंडियोर ऑफ़ द डूम्स यहाँ पर यू साउंड का रिपीटिशन हो रहा है तो ये जो डिवाइस है क्या कहलाएगी एजोन परसोनीफिकेशन परसोनिफिकेशन जो पोइटिक डिवाइस होती है इसमें नॉन लिविंग ऑब्जिक्टोमन बींग की तरह ट्रीट किया जाता है उनको डिस्क्राइब किया जाता है जैसे कि लाइन ट्वेल्व सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल यहाँ पर जो ब्यूटी है उसको पर्सोनिफाई किया है ताकि वो जो क्लाउड्स ऑफ़ एंजाइटी है क्लाउड्स ऑफ डिप्रेशन है और भी जो परेशानियाँ उनको जो ब्यूटी है वो कैसे कर सकती है रिमूव कर सकती है तो ब्यूटी को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है